हेलो एवरीवन, आज है 11 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, जिसको आप इज माई ट्रिप भी कह सकते हो। आज बड़ी रफ्तार आई यहाँ पर, 13% की तेजी दिखाई, 50 रुपये का भी लेवल आज इसने तोड़ दिया है। और जब से ये मालदीव्स वाली कंट्रोवर्सी हुई है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी कंपनी ने उठाया है तो वो ये कंपनी है। 38 रुपीज़ का शेयर था, लगातार भागा है ये, और कहते हैं कि एक सेंटिमेंट की वजह से भागा है, फंडामेंटल की वजह से नहीं भागा है। बात करेंगे उसके बारे में। और हाल फिलहाल में कंपनी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करी है इंश्योरेंस बिजनेस को लेकर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो तकरीबन 28 से 30% की तेज़ी पिछले एक महीने में इसने दिखाई है। एक महीने क्या, जो तेज़ी आई है वो पिछले 10-15 दिनों में यहाँ पर आई है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ी रफ्तार ये इसने दिखाई है, और 5% का अभी भी डिक्लाइन ज़रूर है एक साल में। हालांकि पहली बार, बड़े लंबे अरसे बाद मैं कहूँगा कि ऐसी तेज़ी आई है। इससे पहले भी तेज़ी आई ज़रूर थी, इस तरीके की ही तेज़ी थी, लेकिन बाद में ये गिरा था, दोबारा तेज़ी बनी, दोबारा गिरा, दोबारा तेज़ी बनी, दोबारा मतलब ये गिरा था। अब ये बहुत बड़ी तेज़ी आई है और बहुत जल्दी गिरावट भी देखने को मिलेगी यहाँ पर। पिछले 5 साल का भी अगर हम ग्राफ देखेंगे तो भाई साहब एक बड़ी रफ्तार थी, उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन है। और रीज़न था भैया, 21 साल में जो बोनस वगैरह दिया था, जो स्प्लिट हुआ था, यही एक रीज़न था, कोई और रीज़न नहीं था यहाँ पर। और देखो, जो मालदीव्स की जो कंट्रोवर्सी है, लक्षद्वीप की जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा कहीं ना कहीं इज माई ट्रिप ने उठाया है। अभी अगर आप देख रहे हो तो भैया सोशल मीडिया पर इनके फोटोज़ वगैरह भी वायरल्स हो रहे हैं यहाँ पर, कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में फुल पेज ऐड इन्होंने यहाँ पर दिया था, नेशन फर्स्ट करके बिजनेस लेटर वाला फुल पेज ऐड इन्होंने दिया है, और जिसको लेकर काफ़ी लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप कंपनी को लेकर देखो तो आज बड़ी रफ्तार आई, 16% तक शेयर भाग गया था इज माई ट्रिप का। और यहाँ पर देखे तो भाई साहब बड़ी रफ्तार है, लेकिन कई सारी बड़ी क्वांटिटी में वॉल्यूम्स का भी एक बहुत बड़ा असर है। 21 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते आज नज़र आए, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैंड एक्सचेंज होते हुए यहाँ पर नज़र आए, और देर वॉज नो फ्रेश रीज़न, ठीक है, फॉर द स्टॉक टू एक्सटेंड इट्स रीसेंट शार्प रन। द कंपनी हैड वेनसडे अपडेटेड इन्वेस्टर ऑफ इट्स न्यू सब्सिडरी इजी ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इंश्योरेंस बिजनेस में एंट्री कर रही है। द स्ट्रेटेजिक मूव इज सीन एज कंपनीज बिड टू डाइवर्सिफाई सर्विस पोर्टफोलियो एंड टैप इनटू द इंश्योरेंस मार्केट। अब भैया हर कोई इंश्योरेंस सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये इन्होंने अनाउंस करा है कि हम जाएंगे यहाँ पर इंश्योरेंस ब्रोकर का बिजनेस शुरू करने के लिए। इनके पास इंश्योरेंस का लाइसेंस वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जैसे कि 5 महीने पहले जियो ने अप्लाई करा था, अभी तक मिला नहीं है, बहुत जल्दी मिल जाएगा उनको। जहाँ तक अगर बात करी जाए तो वी आर एलिवेटेड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ इज ट्रिप इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज अ न्यू सब्सिडियरी, इज अ मेजर स्टेप फॉरवर्ड फॉर अस एज अ डाइवर्सिफाई अवर सर्विसेज एंड एंटर इनटू द इंश्योरेंस मार्केट। वी एम टू ऑफर कंप्लीट ट्रैवल इकोसिस्टम फॉर अवर कस्टमर एंड दिस न्यू एडिशन इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप टूवर्ड्स द सेम विथ अवर स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग फॉर एक्सीलेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल मेक, मतलब सिंपल सी बात है, इंश्योरेंस को लेकर ही बात करी गई है, और जो कंपनी के CEO है उनका ये स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखो, अभी पिछले कुछ टाइम से पता है क्या हो रहा है, जो मालदीव्स वाली जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसका फायदा इनको काफ़ी ज़्यादा हुआ है। आज देखिए, स्टॉक वॉज अर्लियर इन द न्यूज दिस वीक आफ्टर द कंपनी सस्पेंड ऑफ मालदीव्स फ्लाइट बाई इज ट्रिप आफ्टर अ फ्यू नाउ सस्पेंड मालदीव मिनिस्टर मेड, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो कमेंट पास करा था उसको लेकर अभी बॉयकॉट मालदीव्स वगैरह चल रहा है, और लक्षद्वीप को लोग ज़्यादा अभी ट्वीट कर रहे हैं उसको लेकर उनकी फेवर में, जो कि अच्छी बात है। और अभी आने वाले टाइम में जो अयोध्या को लेकर भी, जो राम मंदिर का जो उद्घाटन वगैरह होने वाला है, लक्षद्वीप के ट्रैवल को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि भैया एक्सप्लोर करो हमारी जगहों को, तो कहीं ना कहीं लोगों के फुटफॉल वहाँ पर बढ़ना शुरू होंगे और कहीं ना कहीं इज माई ट्रिप को उसका फ़ायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मालदीव्स वाला जो बिज़नेस है वो तो गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, घूम फिर कर वहीं पर आ रहे हैं जहाँ से ये शुरू थे, मतलब कि अगर एक बिज़नेस गया तो एक बिज़नेस आया है यहाँ पर, तो कोई नुकसान इनका नहीं है, लेकिन कोई उतना बड़ा फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर ज़रूर क्रिएट हुआ है, जिसने इनके लिए एक फ़ायदे का, कहते हैं कि शेयर में तेजी लाने का काम करा है। इजी ट्रिप प्लानर में वॉल्यूम का भी गेम चला है, तकरीबन 25 करोड़ तक के शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर। और अगेन, जिस लेवल पर ये बैठा है 50 रुपये, भैया खरीदारी का लेवल मेरे हिसाब से नहीं है। अगेन मैं कह दूं
क्योंकि यहाँ से ना देखो 38 से 50 रुपये गया। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि 37 38 से एक मूव आया था और ये 45 तक गया था, 47 तक गया था, लेकिन उसके बाद करेक्शन हर बार देखने को मिले थे। इस बार भी इसने बड़ा मूव दिखाया ज़रूर है, 50 रुपये तक गया ज़रूर, लेकिन बाद में करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर जब गिरावट आना शुरू हो जाए और जब तब आप कमेंट करोगे यार मैं 50 पे 55 रुपये पे खरीद के बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, तो पहली चीज़ खरीदना ही नहीं चाहिए था। तब खरीदो जब सस्ता हो। इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस ट्रिप को लेकर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं पास्ट में, जहां मैंने कहा है कि जब ये 37 38 रुपीज पर जाता है तब खरीदारी के मौके होते हैं, क्योंकि वहां पर एक सपोर्ट नजर आता है। लेकिन जब भी ये 45 रुपए से ऊपर जाने की कोशिश करेगा गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार जो मामला है वो सेंटिमेंट का है, पॉजिटिव सेंटिमेंट का है, अच्छी मार्केटिंग का है जो इन्होंने करी है, मालदीव्स कंट्रोवर्सी के अराउंड जो अच्छी मार्केटिंग इन्होंने जो करी है, जो कहीं ना कहीं नेशन वाला सेंटिमेंट खेला है, डेफिनेटली उसका फायदा इनको मिल रहा है, जिसके चलते ये 50 पे गया है। अगर वो नहीं होता तो ये जरूर होता कि ये शायद 44 तक जाता, वापस गिर के नीचे आ जाता, तो ये भी होता। तो कहीं ना कहीं आप उसको एक एडवांटेज गिन सकते हो, लेकिन एक टेम्पररी एडवांटेज आप इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है? आप इसको लॉन्ग टर्म का एडवांटेज काउंट नहीं कर सकते, और उस हिसाब से आप उसको हाई प्राइस पे नहीं खरीद सकते हो। जहां तक बात करें इज माई ट्रिप को लेकर, तो वॉल्यूम का ही यहां पर बहुत बड़ा गेम चला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। और जहां तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो भाई साहब देखो रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी आई जरूर है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब तेजी आई थी तभी कंपनी अपने आईपीओज वगैरह लेकर आए थे यहां पर। अगर आप इनको लेकर देखोगे, प्रॉफिट वगैरह देखोगे, तो वो भी काफी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। अब आप ये भी बोलोगे कि भाई साहब अगर कोई कंपनी क्वार्टरली इतना सारा प्रॉफिट कर रही है, 50 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर रही है, रेवेन्यू भी इनका अच्छा खासा है 120 करोड़ के आसपास का, तो दिक्कत क्या है? 50 रुपए का शेयर है। अगेन मैं कह दूं शेयर 50 का नहीं है। अगर आप देखोगे तो कंपनी दो बार पिछले 2022 में दो बार बोनस दे चुकी है, जनवरी में और अक्टूबर में प्राइस एडजस्ट हुआ है, कंपनी स्प्लिट एक बार हो चुकी है, प्राइस एडजस्ट हुआ है। तो अगेन मैं कह दूं अगर इसका रियल वैल्यू अगर आप देखोगे, अगर ये सब नहीं दिया होता तो शायद आज भी 250 300 के आसपास होता, उससे ऊपर ही होता ये। तो ये एक वजह जरूर मैं कहूंगा कि जो बोनस हुआ मिला है, जो स्प्लिट हुआ है, उसकी वजह से आपको ये सस्ता लग रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये उतना भी सस्ता नहीं है। 10 रुपये पर शेयर, सॉरी 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल इसने पे किया था, ठीक है, 2022 से पे नहीं किया है इन्होंने। जहां तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो 52 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 74 का है। अभी आज की तेजी काउंट करेंगे तो शायद और ज्यादा इसका पी हो जाएगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहां तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास 65.54% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने लगातार बड़ी क्वांटिटी बेची है, 74.90 से बेचकर प्रमोटर 65.54 पर आए हैं। और यहां पर आप एक चीज देखो, अगर आप ये बोल रहे हो कि चलो यार प्रमोटर ने तो उसके लिए बेचा होगा, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्यों बेच रहे हैं? 0.61% से घटकर ये 0.06 पर आए थे। और खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स 10.12% से बढ़कर रिटेल वाले ही यहां पर आए 16-17% की होल्डिंग पर। तो जो खरीदारी हो रही है ज्यादातर वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है ज्यादातर, और थोड़ी बहुत क्वांटिटी कह सकते हैं कि नाम मात्र की सही, लेकिन डोमेस्टिक ने खरीदी यहां पर जरूर थी। एफआईज लगातार बेच रहे थे, पहले एक क्वार्टर में खरीदारी करी, अगले क्वार्टर में बिकवाली करी। हालांकि सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, दिसंबर का देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हो रहा है वहां पर। ओवरऑल मैं इज माई ट्रिप को लेकर कहूंगा कि देखो यार अभी जो तेजी है वो टेम्पररी तेजी है, यहां पर टेम्पररी तेजी है ये। जब तक मालदीव्स वाला मुद्दा गर्म रहेगा, थोड़ी बहुत कमेंट मतलब मार्केटिंग अच्छी खासी ये लोग करेंगे बीच बीच में उसको लेकर, और थोड़ा बहुत सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, ब्रांडिंग वांडिंग करेंगे इस दौरान में, न्यूज़पेपर एड्स वगैरह छापेंगे, कुछ कूपन कोड्स निकाल रहे हैं नेशन फर्स्ट वाले, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं कहूँगा मार्केटिंग की। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने प्ले करी है, और यही वजह है कि शेयर आपको बड़ी रफ्तार दिखाता हुआ नजर आ गया, बड़ी रफ्तार। और आज और बड़ी रफ्तार आई इनके इंश्योरेंस वाले बिजनेस को सुनकर। अगेन मैं कह दूं भैया वो इंश्योरेंस वाले बिजनेस को लेकर जो बातचीत हो रही है उसमें सेटअप होने में बहुत टाइम लगने वाला है, और कब तक करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए जिस लेवल पे बैठा है, मैं अगेन कहूंगा यहां से अगर ये 3 4 रुपये और बढ़ भी जाएगा, लेकिन जब गिरावट आएगी तब रुकेगा नहीं ये, ठीक है? तो यही कहूंगा मैं कि मेरे हिसाब से जिस लेवल पे बैठा हुआ है
वहां से बाय करने के तो मौके नहीं बन रहे, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इजी ट्रिप प्लानर या इज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।